जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त फरहान सईद, और जैसे कि आप जानते हैं आज मैं बात करना चाहूँगा इसके बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और फेसबुक मार्केटिंग के बारे में। क्योंकि इंस्टाग्राम जो है बेसिकली अभी तौसा में और तौसा के जो साउथ पंजाब है जिसमें इतना इन नहीं है इंस्टाग्राम, इतनी मार्केटिंग उसकी इतनी नहीं है, लेकिन जो फेसबुक है वो बहुत ज़्यादा इन हो चुका है पूरी तरह से। तो एक वक्त था जब लाहौर में और जो बड़े जो आप कह लें कि जो दूसरे वेस्ट पंजाब है, अपर पंजाब है, वहाँ पे मतलब कि फेसबुक का ट्रेंड था। उसके बाद फिर वो ऐसा ऐसा जो ट्रेंड था वो इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हो गया और टिकटॉक पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। लेकिन जो अभी ये जो साउथ पंजाब है, यहाँ के जो लोग हैं वो अभी फेसबुक पे मतलब कि पूरी तरह से उनकी एक ग्रिप आ चुकी है। काफ़ी ज़्यादा लोग फेसबुक यूज़ करते हैं और अक्सर टाइम जो है वो फेसबुक पे स्पेंड करते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि फेसबुक के जो एड्स हैं वो आप यूज़ करें, वो आप स्पेंड करें उनके ऊपर, और अपने जो आपका बिजनेस है उसको एडवर्टाइज़ करें वहाँ पे आपके। चाहे आपका सैलून का बिजनेस है, रियल इस्टेट का बिजनेस है, आप केक्स वगैरह बनाते हैं, आप बेकरी शॉप है, ठीक है, या आप घर में कोई मैन्युफैक्चरर हैं, आप कुछ भी चीज़ें वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो उसको फेसबुक का पेज बनाकर उसको उसके ऊपर डाटा अपलोड करके, मैंने देखा है कि तौसा में जितने भी मतलब के लोग हैं वो अपलोड तो कर रहे हैं, पिक्चर्स वगैरह अपलोड कर रहे हैं, वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, लेकिन उसको मार्केट नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि बस जी पेज बना दिया, उसके ऊपर हमने डाटा डाल दिया, तो अब जी लोगों को तो पूरा तौसा में जानता है, हमें तो पूरे मतलब के शहर जानता है, इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं सब जानते हैं। ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ी मार्केट है। जब आप एक बार इसको अपने ऐड को एडवर्टाइज़ करेंगे तो आपको इसका आइडिया होगा कि भाई कितने लोगों तक आपका प्रोडक्ट रीच करता है। फॉर एग्जांपल आप बाइक सेल करते हैं, कोई यूज्ड बाइक है, होंडा की 125 है, 180 का, 190 का, आप उसको सेल कर रहे हैं, तो जब आप उसको उसमें से आपका अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट है, ठीक है, तो आप उसके ऊपर कोई 1,000, 2,000, 1,500, ठीक है, या 3,000, या 4,000, या 5,000 आप उसके ऊपर जो है ना वो एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो आप उन्हीं उसी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट में अच्छे खासे लिंक्स भी बिल्ड करेंगे, और सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, आप उसमें 5 से 10 प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग इसलिए आप जरूरी, आपको बिजनेस इसी वजह से स्लो जा रहा है, आप लोग अब कह लें कि आपकी मार्केटिंग ही नहीं है, सिर्फ फेसबुक पेज बना लेना और उस पर पिक्चर्स वगैरह अपलोड कर देना, दैट्स नॉट इनफ, ये मतलब कि इनफ नहीं है। तो आप लोग अगर आप चाहें तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम भी आप लोग के जो फेसबुक एड्स हैं वो हम रन कर सकते हैं, उसके हमारे थोड़े से मंथली चार्जेस होते हैं, ठीक है, तो हम एक अच्छे तरीके से, क्योंकि हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का कि किस तरह से एड्स रन करने, किस तरह आपके टारगेट ऑडियंस को टारगेट करना है, ठीक है, तो आपके जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो सेल होना भी शुरू हो जाएंगे और जो है आपको लीड जनरेट होना भी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगर आप खुद से ऐड रन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जाहिर सी बात है थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप यूट्यूब पे देखें, आप कुछ और चैनल्स वगैरह पे कोई ऑनलाइन कोर्स खरीद लें फेसबुक एडवर्टाइजिंग का, फेसबुक एड्स का, ठीक है, तो उस पर आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप हमारे से ऐड चलवाएंगे तो वो आपकी चॉइस है, वो आपको अच्छा रिजल्ट भी आएगा, साथ साथ में आप सीख भी सकते हैं कोई ऑनलाइन कोर्स परचेज करके, और लर्निंग भी आप कर सकते हैं और हमसे भी ऐड चलवा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो लेकिन एड्स ज़रूर चलाएं, और रिसेंटली लोग एड्स चला भी रहे हैं तौसा में और इर्द गिर्द के एरियाज़ में, डीजी खान में, कोटद्दू में, और उनको बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मतलब के आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस में ग्रो करें, काफ़ी ज़्यादा लीड्स जनरेट करें और एक नेक्स्ट लेवल पर जाएँ, तो आप जो है मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एड्स चलाएँ। थैंक यू सो मच।